ठीक है, आज तुमने टेस्ट दे दिया, सुबह तुमने दे दिया, तुम दोनों ने टेस्ट किया, असाइनमेंट तुम लोगों ने अपलोड कर दिया, फंक्शंस वाला सबका दिया हुआ फंक्शन, अगले हफ्ते करना है फंक्शंस, तो अगले हफ्ते करना है फंक्शन, मंडे को सबमिट करना है। अच्छा वो कर दिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लाइबा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अनिता तो दिया, ठीक है तुमने किया, ठीक है ओके जनाब। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक जनाब। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ताल्लुक हमारी आम जिंदगी से भी है, कि हम किसी को अगर रेफर कर रहे हों कि मैंने पूछा कि भाई वहां तुम्हारा घर कहाँ है, माद भाई ने बोला कि सर आप कॉन्टिनेंटल से अंदर मुड़ेंगे पहला लेफ्ट, तो उसके बाद चौथा या पांचवा मेरा मकान है। मैं इसको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में बता सकता हूँ, पहली गली, ठीक है रेफरेंसिंग है, तो पहली गली में आप लेफ्ट मुड़ेंगे उल्टे आपका पांचवा मकान है, तो ये रेफरेंसिंग जो है ये हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम में मदद दे सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई एसी कहाँ लगा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर पीछे लगा हुआ है, मैं बोलूंगा सामने लगा हुआ है, इस बात पे पड्डा हो जाए, क्योंकि आप अपने रेफरेंस से बता रहे हैं, मैं अपने रेफरेंस से बता रहा हूँ। तो गोया ये बात समझ में मुझे आई कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरी आम जिंदगी में भी इस्तेमाल हो सकती है। जब मैं किसी भी चीज का राइट या लेफ्ट देख के बता रहा हूँ, तो बेसिकली मैं उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स को बता रहा हूँ, जितना मैं उसको ऊपर या नीचे बता रहा हूं तो मैं उसके वाई कोऑर्डिनेट्स का जिक्र कर रहा हूँ। जनाब राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव होता है, ऊपर की जाने वाई पॉजिटिव होता है, नीचे वाई नेगेटिव होता है। राइट हैंड साइड एक्स इज पॉजिटिव, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एक्स इज नेगेटिव, ऑन द अपर साइड वाई इज पॉजिटिव, एंड ऑन द लोअर पोर्शन ऑफ द ग्राफ वाई इज नेगेटिव। एक्स को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं, वाई को हम वर्टिकल एक्सिस, ठीक जनाब। ये चार हिस्सों में हम अपने व्यू को तोड़ते हैं, तो राइट साइड पे ऊपर की जाने पे इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो जनाब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैंने एक पॉइंट का नाम P1 रखा है, सेकंड में P2, थर्ड में P3 और फोर्थ में P4 रखा है मैंने, ठीक है, तो ये जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे ये किस फॉर्म में होंगे बेटा, एक्स और वाई की फॉर्म में होंगे। एक्स बता रहा होगा कि ये हॉरिजॉन्टल किस पोजीशन पर है, और ये वाई बताएगा कि वर्टिकली कितनी पोजीशन। अगर मैं अपने रेस्पेक्ट से शरीर की पोजीशन बताऊं तो शरीर मेरे सामने है और सीधे हाथ पर, जुबिया मेरे सामने है और उल्टे हाथ पर है, बोर्ड मेरे उल्टे हाथ पर है लेकिन पीछे है। मैं अपने हिसाब से अगर रेफरेंसिंग करके किसी भी चीज की पोजीशन बता रहा हूँ, राइट लेफ्ट या अप डाउन करके, तो ये मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स बता रहा हूँ। क्लास में माध भाई एंटर, उन्होंने अटेंडेंस के लिए देखा, उन्होंने कहा जनाब तीसरी रॉ में सेकेंड कॉलम में अब्दुल रहमान बैठा हुआ है, तो ये उसने उसकी पोजीशन बताई। ये जो मैंने रॉ और कॉलम की फॉर्म में पोजीशन बताई, मैं इसको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का नाम दे सकता हूँ। यहाँ तक बात समझ आ गई सर? काफी हो रहे हैं महत भाई, तो वो क्लास के बाद स्प्रे करवा देना। अच्छा जी, तो जनाब जो भी मेरे पास पॉइंट्स हैं उनको मैं एक्स और वाई की फॉर्म में लिखूंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव मैं पोजीशन से डिसाइड करूंगा। जनाब फर्स्ट क्वाड्रेंट राइट हैंड साइड पर है, तो एक्स पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा क्योंकि वो ऊपर की जानेब है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि वो लेफ्ट साइड पर है, और क्योंकि ऊपर की जानेब है तो वाई भी पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज नेगेटिव होंगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी और वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये बात क्लियर है? अभी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को क्लियर है? रैयान आर यू क्लियर? सर ठीक यस सर है जी जनाब, मैंने इनको आपस में जोड़ दिया। जनाब कोई भी पॉइंट कितना हॉरिजॉन्टली आपसे दूर है, ये उसकी एक्स की वैल्यू है,
वर्टिकली कितना दूर है, ये उसकी वाई की वैल्यू है। तो जनाब ये जो मैंने आपके सामने मार्क किया है, ये एक्स और वाई क्या बता रहा है कि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से कितना दूर है। तो कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी हाइट पर है उसको हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस से हॉरिजॉन्टली कितना दूर है उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट। तो जनाब डिस्टेंस अगर मुझे निकालना हो किसी भी पॉइंट और एक्स एक्सिस के दरमियान, और मुझे डिस्टेंस निकालना हो पॉइंट और वाई एक्सिस के दरमियान, तो जनाब ये बराबर होता है एक्स के, अगर वाई तक का डिस्टेंस निकालना, और अगर मुझे एक्स तक का डिस्टेंस निकालना है तो वो वाई के बराबर होगा। तो मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाई एक्सिस से होगा एक्स के बराबर, वर्टिकल डिस्टेंस एक्स एक्सिस से होगा वाई के बराबर। मॉड्यूलस, इन दो स्ट्रेट लाइंस को मॉड्यूलस कहते हैं। क्या सैफ अभी तक नहीं आया, उसको बोलो आ जाए। ये जो दो लाइंस हैं इनको हम मॉड्यूलस कहते हैं। मॉड्यूलस का मुराद ये है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसीलिए हम उसके ऊपर मॉड्यूलस लगाते हैं। मॉड्यूलस लगाने का मतलब है कि आंसर इसका हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस, अगर ये नीचे भी है भाई, 2 यूनिट नीचे है, कोऑर्डिनेट तो उसका -2 होगा, ऊपर होने की वजह से +2 होगा, लेकिन उसकी हाइट हम 2 ही कंसिडर करेंगे, -2 कंसिडर नहीं करेंगे। बात समझ आ गई जनाब? ओ से पी तक का डिस्टेंस, जनाब ओ से पी तक के डिस्टेंस के लिए आपको ये एक अदर ट्राइंगल देखना पड़ेगा। क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल है? बिल्कुल है, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो जनाब पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगा दूं तो ये डिस्टेंस ओ से पी तक का हाइपोटेन्यूज है या नहीं? ओ से पी तक का डिस्टेंस सही हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो जनाब ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है बेटा वो कैसे आएगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस। समझ आ गई बात? पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया मैंने, एक्स जो है वो बेस थी और वाई जो है वो मेरा परपेंडिकुलर था, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो रूट क्यों लगा? लेकिन रूट ऑन बोथ साइड। क्या तक बात समझ आ गई? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर यू क्लियर? यस सर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जी बेटा तहरीन बोलिए। जी ये जो आपने ऊपर 3 बातें लिखी हैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मिसाल के तौर पे एक पॉइंट है, ये 4 यूनिट्स है, ये 3 यूनिट्स है, तो ये आएगा 5, क्योंकि ये ओ है ये पी है, तो ओ से पी तक का स्क्वायर बराबर होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के, तो ओ से पी बराबर आ जाएगा 5 के। ये बात समझ आ गई? जी और मैंने ये बताया कि ये डिस्टेंस 4 के बराबर है, और मैंने बताया कि ये डिस्टेंस 3 के बराबर है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम हॉरिजॉन्टल कह रहे हैं, इसको वर्टिकल कह रहे हैं। वर्टिकल डिस्टेंस एक्स एक्सिस से होता है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाई एक्सिस से होता है। समझ आ गई? जी जनाब अगर एक पॉइंट है X1 और Y1 और एक पॉइंट है X2 और Y2, जनाब जब तुम गाड़ी लेकर ब्रिज पे चढ़ते हो तो जहां तुम्हारा ब्रिज शुरू होता है उस पॉइंट को लेट से मैं X1 और Y1 से डिनोट कर दूं, और जहां तुम्हारा ब्रिज का टॉप पॉइंट है मैं उसको X2 और Y2 से डिनोट कर दूं, जब तुम नीचे से उस टॉप पॉइंट पे पहुंचे तो तुम्हारी हॉरिजॉन्टली भी वैल्यू चेंज हुई और वर्टिकली भी वैल्यू चेंज हुई, ऐसा ही है ना? तो लेट से अगर तुम X1 से उठ के X2 पे चले गए तो तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? X2 माइनस X1। अगर तुम 2 फुट से उठ के 5 फुट पे चले गए तो तुमने 3 फुट ट्रेवल किया ना? अगर तुम्हारी हाइट 3 फिट थी और तुम ट्रेवल करके 8 फिट पे पहुंच गए तो तुमने कितना वर्टिकली ट्रेवल किया? 5 फिट ट्रेवल किया। तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस ले लूंगा,
तो इसका मतलब है अगर X1 पे खड़े हुए थे और X2 तक चले गए तो तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, X2 माइनस X1। अगर तुम Y1 पे खड़े हुए थे, Y1 से खड़े होके Y2 पे चले गए तो तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, Y2 माइनस Y1। तो जनाब जब मैं P1 से P2 जा रहा हूँ तो मेरी जो बेस है बेटा वो कहलाएगी X2 माइनस X1, और जो मेरा परपेंडिकुलर है बेटा वो क्या कहलाएगा, Y2 माइनस Y1। तो जनाब जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वही है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस यहाँ पर अब एक्स नहीं है बल्कि X2 माइनस, बेस यहाँ पर एक्स बल्कि X2 माइनस, परपेंडिकुलर यहाँ पर वाई नहीं है बल्कि Y2 माइनस। यहाँ तक बात समझ आती है, सबको क्लियर है? जी -3,4 कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा भाई? एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट है भाई अब्दुलरहमान, पक्का या तुक्का? एक्स नेगेटिव कहाँ होता है? लेफ्ट पे होता है, ठीक है, और वाई पॉजिटिव कहाँ होता है? राइट पे होता है, ऊपर ऊपर होता है, तो कौन सी जगह बनेगी ये? उल्टे हाथ पे ऊपर कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा? उल्टे हाथ पे ऊपर सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, ठीक है। तो जनाब ये पॉइंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। अगर मुझे डिस्टेंस बताना है इसका एक्स एक्सिस के साथ तो आप देख सकते हो, अगर मुझे डिस्टेंस बताना है इसका एक्स एक्सिस के साथ तो कितना डिस्टेंस है, 4 यूनिट्स। अगर मुझे डिस्टेंस बताना है वाई एक्सिस के साथ तो कितना है जनाब, 3 यूनिट्स। और अगर मुझे इसका डिस्टेंस बताना है ओरिजिन से तो कौन सा फॉर्मूला रहेगा, √X² + Y। क्या ये बात सबको क्लियर है? कोई इशू समझ आ गई ये बात? नोट कर रहे हैं तो जल्दी से कर लें। ये दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान हमें डिस्टेंस निकालना है, तो दो पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? फॉर्मूला लगा के, 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा के। तो 2 पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बेटा, √X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। तो जरा पॉइंट मेंशन करेंगे, एक्स में से एक्स को माइनस करेंगे, वाई में से वाई को माइनस करेंगे। जनाब ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, इसमें जनाब ये जो है वो हो गया X1 और Y1, और ये हो गया जनाब X2 और Y2। आप देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ आ रही है? फिर वैल्यूज को इनपुट की है मैंने, है भाई ऑनलाइन वालों समझ आ रही है? तहरीन बेटा समझ आ रही है? तो जी सर, जनाब यस सर, -5 -2 बिकम्स -7, देन 7 होल स्क्वायर इज 49। अगेन दिस विल बिकम 1 एंड 1 स्क्वायर इज 1। जनाब 49 + 1 करेंगे 50 हो जाएगा, और उसका रूट आप कैलकुलेटर से निकालेंगे अगर कैलकुलेटर अलाउड है, और अगर नॉट अलाउड है तो √50 करके छोड़ दें। किसी ने नहीं कहा कि 1.5 होशियारी करें आप। हाँ अब उन्होंने कह दिया कि गिव द आंसर इन द फॉर्म ऑफ a√b, इसका मतलब है कि √50 नहीं चलेगा, कैलकुलेटर अगर नहीं अलाउ है P1 के अंदर, ओ लेवल्स वाले बच्चों के लिए, IGCSE वालों को अलाउ है। सही है, आप ओ लेवल्स में ही है ना? सही, तो 50 को हमें ब्रेक करना पड़ेगा किसमें बेटा, 5, सॉरी कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम, 25 मल्टीप्लाई बाय 2। तो भाई जान सारे बच्चों ये 25 रूट से बाहर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो इसको हम लिखेंगे √5। क्या ये बात समझ आ रही है? इसको बोलते हैं सर्ड फॉर्म।
ठीक है, रूट वाली फॉर्म को हम सर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों क्लियर है? ठीक ऑनलाइन वालों क्लियर है बेटा? जी सर, जी जी सैफ, आर यू क्लियर? अगला एड्रेस अच्छा जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें, कुछ दूसरा सवाल कर लें। करते घबराना नहीं पड़ता। उत्तरी विलियम शाह का, जिसका मुझे था इंतजार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पेज नंबर 4 जी। फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। निकालिए जनाब। जब हम पहला सवाल देखते हैं तो हमें ए से बी का डिस्टेंस निकालना है। तो ए से बी के डिस्टेंस के लिए बेटा एक्स की वैल्यू एक 2 है और एक 9 है, तो मैं 9 में से 2 को माइनस करूंगा और होल स्क्वायर कर दूंगा। जनाब इसी तरीके से एक्स की वैल्यू तो हो गई, अब वाई की बारी है। वाई की एक वैल्यू 3 है और एक वैल्यू 7 है, तो मैं 7 में से 3 को माइनस करके होल स्क्वायर कर दूँ। ये बात समझ आ गई? अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें या स्टेप बाय स्टेप करें। 9 माइनस 2 करेंगे 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 7 माइनस 3 करेंगे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो आंसर कितना आएगा बेटा? अंडर रूट 65। क्या ये बात सबको क्लियर है? अभी प्यारे बच्चों सबको क्लियर है? कर लिया? अभी क्लियर है बेटा? ठीक है, तो फॉर पार्ट बी सी टू डी क्या बेटा? नहीं, एक्स में से एक्स माइनस होगा। तो जनाब -5 में से हमने 3 को माइनस किया और 9 में से हमने 6 को माइनस किया, तो जनाब ये हो गया 64 और ये हो गया जनाब 9। तो सीधा सीधा कितना आया बेटा? 73। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? क्लियर है बच्चों? ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है? अगर इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 10, तो इनका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस कैसे निकलता है जनाब? एक्स में से एक्स को माइनस करते हैं होल स्क्वायर, और फिर वाई में से y को माइनस करते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 सबका हो गया है? ठीक है बात। ऑनलाइन वाले बच्चों आई नीड आंसर्स। बात समझ आ गई यस यहाँ सर, तक? रैयान जी के सर, बच्चे हैं सब बता दें। सैफ क्लियर है बेटा? यस सर, ओके, तो वो कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो जनाब ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर जो कि रूट में है, इक्वल्स टू कितना है जनाब? 10 है। बेटा जी ये हो जाएगा 2 पी स्क्वायर इक्वल्स टू 10। बेटा रूट खत्म करने के लिए क्या करें? जनाब रूट खत्म करने के लिए हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट खत्म करने के लिए हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जनाब ये हो जाएगा
पी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा जनाब। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो बेटा रूट के साथ दहेज में सर, माइनस आता है। जी बेटा बोलिए बेटा ये बोलिए। पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर नहीं होगा? अच्छा, अगर नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आता है बेटा। नेगेटिव वैल्यू का जब स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो बेटा जब नेगेटिव पी का होल स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव पी स्क्वायर आएगा। ठीक है बेटा, जी सर। ये सवाल सबको क्लियर है? आगे चलें, जनाब क्वेश्चन नंबर 3 देख। गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स पी एंड क्यू आर दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर दैट लाइज ऑन वाई एक्सिस। देखिए बेटा, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। जनाब अगर मैं इस सवाल को देखूं तो आर के कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि वाई एक्सिस पर है तो किस फॉर्म में होगा, 0, आर की फॉर्म में। जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसकी वाई की वैल्यू 0 होगी, और जब भी कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो उसकी एक्स की वैल्यू 0 होगी। जनाब अगर मैं आपसे कहूं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, जब आप कोई पॉइंट लेते हैं लेट से 2, 3, तो इसके अंदर 2 यूनिट्स ये हॉरिजॉन्टल है और 3 यूनिट्स ये वर्टिकल है, ऐसा ही है ना। अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 कर दूं तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल है ही नहीं, ये सिर्फ कहां पर है, वर्टिकल। तो आप देखोगे वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली मूव कर ही नहीं रहा। बिल्कुल इसी तरीके से जब मैं वाई की वैल्यू 0 करूंगा तो इसका मतलब है कि ये कहाँ पर है पॉइंट, एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस पर लिख लो बेटा अपने नोट्स में कि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। क्लियर है बेटा? ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर क्लियर? ठीक यस सर। okay. तो क्वेश्चन नंबर 3, इट्स बीन गिवन दैट पी कोऑर्डिनेट्स आर -2 एंड 6, क्यू कोऑर्डिनेट्स आर 9 एंड 3, एंड दे आर लुकिंग फॉर आर विच इज ऑन वाई एक्सिस। तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज कर लिए 0, r। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि पी आर एंड क्यू आर आर इक्वल। तो बेटा मुझे बताओ अब्दुल रहमान साहब, पी से आर का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? डिस्टेंस निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो जनाब एक्स में से एक्स को माइनस करेंगे और वाई में से वाई को माइनस करेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक्स में से एक्स को माइनस किया, वाई में से वाई को माइनस किया, तो जनाब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 6 -r पे लगा हुआ है होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कैसे खुलेगा, आइडेंटिटी से। कौन सी आइडेंटिटी लाएगा, a-b होल स्क्वायर। तो a-b होल स्क्वायर क्या होता है शहीद, a² -2ab+b² तो जनाब ये हो जाएगा a² मतलब 6 का स्क्वायर -2ab+b² नंबर्स प्लस हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर 36 आएगा, तो प्रॉब्लम है। ठीक है जी,
ये हो जाएगा जनाब कितना, 40 हो जाएगा जनाब, 12 R, ये हो गया आर स्क्वायर जनाब, PR तैयार है। ऑनलाइन बच्चों यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब निकालेंगे हम QR। तो x में से x माइनस होगा, y में से y माइनस होगा, तो 9 स्क्वायर इज 81, 3 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 3 into R प्लस आर स्क्वायर, जनाब दिस विल बिकम 90 माइनस 6 R प्लस आर स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें कहा गया था, क्या कहा गया था, कि पी आर एंड क्यू आर बोथ इक्वल। तो इसका मतलब है पी आर की वैल्यू और क्यू आर की वैल्यू जो हमने निकाली है हम इनको बराबर रख दें। तो मैंने इनको बराबर रख दिया, मैंने इनको बराबर रख दिया। बेटा रूट खत्म करना है, क्या करूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अवेलेबल, तो ये क्या हो जाएगा, एज इट इज कॉपी, बस रूट नहीं आएगा जनाब। आर स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 माइनस 90 माइनस 6 R प्लस 12 R हो जाएगा जनाब -50, और ये हो जाएगा जनाब R, मुझे बताएं R कितना आया, -25/3, कैंसिल करके लिखा है। तो जनाब R के कोऑर्डिनेट्स आ गए कितने, 0, -25/3। क्लियर है जी, नोट करेंगे इसको, कोई मिस्टेक नजर आए तो सही कर दीजिएगा। जनाब हम पहले ये देखेंगे कि एस उन्होंने कहा है एक्स एक्सिस पे, जब एस जो है वो एक्स एक्सिस पर होगा तो वाई की वैल्यू 0 होगी। तो जनाब ये बनेगा -2 माइनस S होल स्क्वायर, और ये बनेगा 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। जनाब होल स्क्वायर क्या करता है, माइनस को खत्म कर देता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस S का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जनाब 6 का स्क्वायर 36 आएगा, इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, A स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB प्लस B स्क्वायर। 4 और 36 को अगर हम प्लस करेंगे दैट वुड बी 40। हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर यू क्लियर? क्या बता दूं, एक बार फिर से बता दूं, देखो ये x की वैल्यू है इसमें से x माइनस होगा, ये y की वैल्यू है इसमें से y माइनस होगा, तो माइनस का जो होल स्क्वायर होता है उसको हम पॉजिटिव कर देते हैं, हमने पॉजिटिव करके लिख दिया। ठीक है, पॉजिटिव जो हमने करके लिख दिया, अब होल स्क्वायर तो हमने होल स्क्वायर खोल लिया, A स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है जनाब, और उन्होंने क्या बोला था, QS, तो QS कैसे निकलेगा, 9 माइनस S का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा जनाब 81 माइनस 18S प्लस S स्क्वायर प्लस 9, तो क्या हो जाएगा बेटा ये 90 माइनस 18S प्लस S स्क्वायर। अब वो कह रहे हैं दोनों बराबर हैं, क्या कहा था उन्होंने कि PS एंड QS बराबर है। अब हमें पता है कि रूट है बोथ साइड, तो वो क्या करेंगे, उनको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ना, तो मैं रूट के साथ पुट करूं रूट के बगैर पुट करूं कोई मसला तो नहीं है।
स्क्वायरिंग होके उसने कटना ही है ना भाई। मैं बोलूं पीएस और क्यूएस बराबर है तो उनके स्क्वायर भी तो बराबर है, तो हटा दिया मैंने। अब क्या होगा, एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 40 माइनस 90, हो जाएगा -18s, तो इधर लिख देते ना, हो जाएगा 4s+18s, हो जाएगा 90 माइनस 40, हो जाएगा 22s इक्वल्स, डिवाइड बाय 2 कर दोगे मतलब 2 के टेबल से कैंसिल कर दोगे, हो जाएगा 25/11। मुबारक हो बेटा, एस की वैल्यू आ गई, मतलब आपके पास एस के कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्या ये बात समझ आ गई सबको, समझते हैं इसमें? सही है तरीका, बिल्कुल सही। हाँ सेकंड बिल्कुल सही किया है। क्लियर सबको, समझ आ गया? अभी ऑनलाइन वालों समझ आ गया, आयशा, मानूर, रैयान, शारिक, तहरीन, सबको क्लियर यस है? सर, चले जी जी सर, क्लास एंड करते हैं।